चैनल। आज मैं आपको वो बनाना बताऊंगी। ये मैंने फैब्रिक लिया हुआ है, इसकी जो विड्थ है वो 6.5 इंच है और इसकी लेंथ मैंने 9 इंच रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इसमें हम यहाँ पर इस साइड थोड़ा सा तकरीबन 1 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए, यहाँ पे 1 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए बाकी ये तीनों तरफ यहाँ पर स्टिच कर लेंगे इस तरह से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, केवल यहाँ पर 1 इंच का हमको कपड़ा छोड़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने जो फैब्रिक है इस तरह से डबल फोल्ड करना है और मैं इस पर स्टिच करूँगी। तो मैं यहाँ से इसको शुरू करूँगी इस तरफ से। फ्रेंड्स, इस तरह से बो बनाकर आप फ्रॉक में, गाउन में या फिर हेयर बैंड वगैरह में लगा सकते हैं। हमको यहाँ 1 इंच छोड़ देना है इसको। फ्रेंड्स, ये मैंने तकरीबन 1.5 इंच की चौड़ाई है, ये मैंने स्ट्रिप काट के ली हुई है। इसको मुझे एक बार इस तरह से फोल्ड करना है और एक बार इस तरह से ऐसे, और इसके बाद हमको इस तरह से फोल्ड करना है। इसको मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई चला लूंगी। फ्रेंड्स, ये मैंने बना ली है, आप देख सकते हैं स्ट्रिप मैंने बना ली है। अब हम इसे राइट साइड टर्न करेंगे। यहाँ पर ये जो हमने जगह छोड़ा हुआ था, यहाँ से इस कपड़े को निकालते हुए इस तरह से, मैं इस किसी भी चीज़ की हेल्प से आप इसे बाहर निकाल सकें, इस तरह से मैं इसे राइट साइड टर्न करूँगी। ये मैंने राइट साइड टर्न कर लिया इसे। मैं इसको कोनों को सही से निकालूंगी, ये जिसको कॉर्नर्स हैं इसे मैंने अंदर डालना है, इसकी मदद से मैं इसके कॉर्नर सही कर लूंगी। ये इस तरह से, यह इस तरह से मैंने इसे तीनों कॉर्नर हमने निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो खुला हुआ पोर्शन है, इसको हमने जितना मोड़ के सिला हुआ था उतना इसको अंदर की तरफ करना है ऐसे, और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। इसे हमने यहाँ पर इतना दूर स्टिच कर देना है इस तरह से। अब हम इसका सेंटर पॉइंट लेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये निशान लग चुका है। यहाँ पर हम इस तरह से इसको प्लेट्स डालते हुए स्टिच कर लेंगे। ये इस तरह से मैं यहाँ पर प्लेटें डालूंगी, प्लेटें डालकर इस पर स्टिच कर लूंगी। लास्ट में जो ये प्लेट है इसको इस साइड ऐसे करके डालूंगी, ये इस तरह से। एक बार मैं इस पर राइट टर्न करके फिर से स्टिच करूंगी। फ्रेंड्स, ये हो गया है। अब इस पर जो हमने ये स्ट्रिप बनाई हुई थी इसको इस तरह से, इस स्ट्रिप को इस तरह से रखना है ऐसे, ये रॉन्ग साइड पर इस तरह से, इस तरह से इसको रखेंगे और इस तरह से इसे चारों तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। और बाकी की जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है जो हम कट कर देंगे, और यहाँ पर हम सुई धागे की मदद से इसको इस तरह से पक्का कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी ये बो बन के तैयार है। तो मैंने ये बड़ा बनाया हुआ है, आप चाहे तो छोटा बना सकते हैं, और तकरीबन 2 या 3 इंच की
आप उसी हिसाब से मतलब अपना कपड़ा कट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारे ये बो बन के तैयार है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ये कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।